ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लीब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट, और देख लेते हैं लीब्रा व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग थ्रू। क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी तरफ, लेट्स फाइंड आउट। फ्यूचर, ओके। सो ओवरऑल एनर्जी जो है लिब्रा के लिए, फ्यूचर में ऐसा लगता है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, आपके प्लान्स हैं नहीं है अभी, बट यस यू कैन ट्रैवल समवेयर, ठीक है। या प्लानिंग हो सकती है, इधर वे इट्स लाइक सोशल, इट्स गोइंग टू बी सोशली गुड फॉर यू। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यू कैन बाय प्रॉपर्टी, यू कैन सेल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। और ट्रांजेक्शन करते वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा। ट्विस्ट एंड टर्न्स का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि केयरफुली मेड प्लान्स कुड बी थ्रोन आउट ऑफ द विंडो। एंजल्स कह रहे हैं डोंट ओवर प्लान थिंग्स, बिकॉज हो सकता है कि आप प्लान कुछ और कर रहे हो और कुछ और हो, ठीक है ना, फॉर अ गुड रीजन, गुड अच्छी चीज के लिए, घबराइए मत। ओके, तो वो चीज़ है, तो ओवर प्लानिंग मत कीजिए किसी चीज़ को लेके। लेट इट फ्लो, जो भी चल रहा है फ्लो होने दीजिए। मेक श्योर यू गेट लॉट ऑफ रेस्ट, रेस्ट कीजिए। हो सकता है लेटली यू वर फीलिंग लाइक लिटिल इम्बैलेंस, थोड़ा सा व्हाट वी से दैट कि रेस्ट कीजिए। अपॉर्चुनिटीज का कार्ड आ रहा है, दैट मींस एन इम्पॉर्टेंट ऑफर विल बी मेड। कोई ऑफर आ सकती है दैट यू नो दैट कैन मेक यू हैप्पी, या किसी के साथ बात हो सकती है ऑफर। अब वो लव ऑफर भी हो सकती है, काम को लेके भी हो सकती है, सो अगेन गुड थिंग। चलिए, ये तो हो गई ओवरऑल एनर्जी। हम लव लाइफ की बात कर रहे थे कि लिब्रा की लव लाइफ जो है वो कैसी रहने वाली है। लव एंड करियर ऑफ कोर्स देख लेंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट लिब्रा होल्डिंग ऑफ इमोशंस। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है अकेला बनना है, या चूजिंग योर सेल्फ, बीइंग इन योर ओन जोन, ठीक है। आप वेट कर रहे हैं, न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ऑफ कोर्स यू आर ट्राइंग टू क्रिएट बैलेंस, अपने आप को बैलेंस्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। द रिलेशनशिप कोशिश कर रहे हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो, ठीक है ना। ऐसी वाली एनर्जी हमें लीब्रा की तरफ दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट दैट बीइंग, अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस रखना है हर चीज को अपनी लाइफ में, तो वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको यू नो अपना थोड़ा सा अपने आप को लिमिटेड वे में चल रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, आई थिंक ऑफ कोर्स एक तो लाइक दे आर विलिंग टू टॉक, बात करना चाह रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा ये भी कोल्ड एनर्जी में है, कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, बट यस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप दोनों की कुछ बातें हो सकती है। लाइक ये पर्सन यू नो दे आर रेडी टू कम्युनिकेट और टॉक, बात करना चाह रहे हैं। वेयर इज दिस हेडिंग? ओके, सो यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी आई थिंक दोनों तरफ से, मुझे लग रहा है दोनों तरफ से ही ऐसी हो रही है। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इसका मतलब कि नहले पे दहला वाली बात हो रही है यहाँ पे। और थोड़ा सा आप लोगों को इमोशन से काम लेना पड़ेगा यहाँ पर, जो कि दिख रहे हैं कि धीरे धीरे वो आ रहे हैं इमोशन। न्यू एनर्जी भी है कुछ के लिए, हो सकता है कि इट्स काइंड ऑफ न्यू एनर्जी, फ्रेश स्टार्ट हो सकता है। बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप गार्ड डाउन करेंगे और एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो मैं आपको भी बोल रही हूँ, फिर आपकी लाइफ में वो हैप्पीनेस और अबंडेंस आएगी। तो अब ये कुछ टाइम में हो सकता है या कुछ दिनों में हो सकता है, बट ऑफ कोर्स क्लैरिटी तो आएगी, वो हैप्पीनेस आएगी, तो वो चीज है। अब जो लोग सिंगल है लीब्रा, देन आई थिंक उनके लिए इट्स अबाउट फॉरवर्ड मूवमेंट, कि सही वक्त है आगे बढ़ने के लिए, सो इट्स अ गुड टाइम। चलिए, ये तो हो गई लव की बात, ठीक है ना। अब करियर की बात कर लेते हैं कि करियर वाइज लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। करियर वाइज आई थिंक ओ वाह ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी, ऐसा लगता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है। ओके, हमारे पास यहाँ पे कुछ बर्ड भी दिखाई दे रहा है, हमिंग बर्ड, स्पेशल बर्ड हियर वी आर गेटिंग लॉट ऑफ यू नो
दैट एनर्जी, आई थिंक इट्स अबाउट कि आप वेट कर रहे हो, और या हो सकता है कि जल्दी ही आपके सामने कुछ रिवील हो सकता है, अ वेरी गुड, अब शायद हो सकता है वो कम्युनिकेशन हो किसी के साथ, और मे बी आप अपनी इशू से, कोई प्रॉब्लम वाली इशू में से निकल सकते हैं, या ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज कहते हैं ना, वो एक फ्रेज है ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ओके, तो आप इस चीज में ऐसा लगता है कोई चीज है, कोई सिचुएशन है, उसमें आपके लिए कुछ ब्लेसिंग छुपी हुई है, ब्यूटीफुल ब्लेसिंग कमिंग थ्रू, चीजें आपके तरीके से होंगी जैसे आप चाह रहे हैं वैसे होंगी। तो आई थिंक वी आर गेटिंग अ गुड एनर्जी हियर, एंड हीलिंग, लॉट ऑफ हीलिंग, एंड लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन योर करियर। परेशान होने से कुछ नहीं होगा, अगर आप किसी चीज को लेके ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ओवर प्लानिंग कर रहे हैं, इट्स ओके। आई थिंक आपको भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, डिले हो रहा है या यू नेवर नो। जैसे मान लीजिए कि कार्ड में देखिए पर्सन कितना होपलेस है, वो देख रहा है कि आगे जो उसके सामने जो कप्स हैं वो गिरे पड़े हैं, बट उस पीछे क्या है वो एंजल्स को पता है कि उन्होंने आपके लिए क्या सोच रखा है, क्या छुपा रखा है, वो वक्त आने पे अपने आप रिवील हो जाएगा। तो ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। नाउ व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, ये देखना बहुत जरूरी है कि लीब्रा को किस चीज पे एनर्जी वाइज, व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन। सरेंडर, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल, डोंट ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स और कंट्रोल सिचुएशन। ठीक है, एंजल्स ये कह रहे हैं सरेंडर कीजिए, सरेंडर करना बहुत जरूरी है। हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ आप यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल इट, जैसे कहते हैं ना वो रेत, आप जितना आप वो करते हैं वो उतना ज़्यादा फिसलती जाती है, तो वो चीज़ है कि लेट इट गो। सिमिलरली आपके करियर पे भी हो रहा है, आपके रिलेशनशिप और एनीथिंग इन योर लाइफ, पहले भी एंजल्स कह रहे थे डोंट प्लान टू मच और लेट इट बी, डिनाइल जोन से आए, एक्नॉलेज माई फियर। आपको कोई डर है, आपको कोई फियर है, आपको कोई डाउट है, देन एंजल्स आर सेइंग उसको रिप्लेस कीजिए ना, कि नहीं, दैट यू आर एन अवेयर पर्सन और सब कुछ है, तो उस डर को निकाल दीजिए और रिप्लेस इट विथ समथिंग समथिंग गुड, कि कुछ अच्छा सोचिए, कुछ पॉजिटिव सोचिए, कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन आप यूज कर सकते हैं जो एक्चुअली में आपको मदद करेंगी, चाहे आपके रिश्ते हो या आपके जॉब या करियर हो। ठीक है, तो उस चीज को रिप्लेस कीजिए, फियर को, डाउट को रिप्लेस कीजिए विथ समथिंग गुड। ओके, सो लीब्रा, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसे लगी, और मैं मिलूँ कि आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।